आज हम लोग इस वीडियो में ये चीज़ देखेंगे कि जो एक्सेल की शॉर्टकट कीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं हमारे काम के लिए, वो कौन कौन सी हैं। हमारी जो पहली शॉर्टकट की है वो ऑटो सम की है। अब अगर हम लोग कहीं पर भी अपने जो रोज़ या कॉलम को सम कराना चाहते हैं तो उसमें हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो हमारे रोज़ और कॉलम का डाटा उनको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जिस कॉलम में हमने उसको सम कराना है उसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमने ऑल्ट और इक्वल दोनों को प्रेस करना तो ये ऑटोमेटिकली सम करके दे देगा। अब इस सूरत में इसने किया कि इसने इन रोज़ को सम करके हमें यहाँ पे टोटल यहाँ पे शो करा दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं। अब हम लोग इस तरीके से इन कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जिस सेल के अंदर हम लोग अपने सम को शो कराने जाते हैं यानी टोटल को शो कराने जाते हैं उसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने ऑल्ट और इक्वल को प्रेस करना है, तो जैसे हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें नीचे सम करके देगा। इस सूरत में इसने ये यहाँ पे जितने भी कॉलम के अंदर एंट्रीज हैं उन सबको सम करके नीचे शो करा दिया है। अब हम अपने सेकंड शॉर्टकट की को देख लेते हैं। इसमें हम लोग करंट टाइम को एक्सेल शीट के अंदर शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने कोई भी सेल को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद हमने कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद साथ ही हमने शिफ्ट को प्रेस करना है और उसके साथ हमने सेमी कॉलम को प्रेस करना है। जैसे हम लोग ऐसे करते हैं तो ये जो हमारे कंप्यूटर का जो टाइम होता है उसको सेल के अंदर शो कर देता है। अगर हमने करंट डेट को एक्सेल के सेल के ऊपर शो कराना है तो उसके लिए हमने सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हमने कंट्रोल और जो सेमी कॉलन है इस दोनों को इकट्ठे प्रेस करना है तो ये जो है एक्सेल जो हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल डेट होगी उसको सेल के ऊपर शो कर देगा। अगर हम लोग एक्सेल में एक कंप्लीट रो यानी कि एक मुकम्मल रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें हमने रो के किसी भी सेल के ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हमने जो कीबोर्ड में शिफ्ट और जो स्पेस बार का जो बटन होता है उन दोनों को इकट्ठे प्रेस करना है। जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो वो जो रो है मुकम्मल तौर पर सिलेक्ट हो जाएगी एक्सेल के अंदर। अगर हम एक्सेल में एक मुकम्मल कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग उस कॉलम के किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कंट्रोल और जो स्पेस बार बटन दोनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो वो कॉलम मुकम्मल तौर पर सिलेक्ट हो जाएगा एक्सेल के अंदर। अगर हम एक्सेल में एक मुकम्मल रो को हाइड करना चाहते हैं यानी कि छुपाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग उस रो का किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कंट्रोल प्लस 9 प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग ये प्रेस करेंगे तो इसी तरह वो रो यानी कि गायब हो जाएगी एक्सेल के अंदर। अगर हम एक्सेल में एक मुकम्मल कॉलम को हाइड करना चाहते हैं या गायब करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस कॉलम में से किसी भी एक सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग कंट्रोल प्लस 0 को जैसे प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो वो कॉलम मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। अब मैं जैसे ही सी कॉलम में से किसी भी सेल को सिलेक्ट करता हूँ उसके बाद मैं कंट्रोल प्लस 0 को प्रेस करता हूँ तो वो कॉलम जो था वो ऑटोमेटिकली गायब हो चुका है। अगर हम एक्सेल में एक मुकम्मल रो या एक मुकम्मल कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग एक्सेल में जिस भी रो या कॉलम को डिलीट करना तो वहाँ पे हम लोग सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस का बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो इस तरह का एक स्मॉल सा बॉक्स अपीयर हो जाएगा, तो यहाँ पे है हमारे पास एंटायर रो और यहाँ पर है एंटायर कॉलम। जैसे हम लोग इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वो परफॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग एंटायर रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं जैसे ओके प्रेस करता हूँ तो इसने क्या किया, इसने एक नीचे वाली जो रो थी उसको मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया। अगर मैंने कॉलम को डिलीट करना तो मैं उसके बाद कंट्रोल माइनस को अगेन प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद ओके पे प्रेस करूंगा तो उसने क्या किया, इसने जो कॉलम था उसको मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया है। अगर हम एक्सेल में एक ही सेल के अंदर मुख्तलिफ लाइंस पे कुछ ना कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेल के अंदर सबसे पहले हम लोग कुछ ना कुछ लिख लेंगे, ये हम लोग टेक्स्ट भी हो सकता है और जिस तरह काउंटिंग भी हो सकती है। उसके बाद आपने आल्ट और इंटर को जैसे प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से नीचे हम एक और लाइन आ जाएगी जिसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज लाइक इल्मा चैनल। अब जिस तरह मैं अगेन आल्ट और इंटर प्रेस करता हूँ थर्ड आ जाएगी। अगर हमें एक्सेल शीट के फार्मूलाज को शो कराना हो तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस कॉमा को जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें फार्मूलाज एक्सेल शीट के अंदर शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पे एक्सेल ने अपने तमाम फार्मूलाज को शो करा दिया जो इस शीट के ऊपर अप्लाई किए हुए थे, लेकिन सम टाइम ये जो कमांड ठीक तरीके से काम नहीं करते तो उसके लिए आपने क्या करना, उसके लिए आपने सबसे पहले फार्मूलाज में चले जाना और उसके बाद यहाँ पे शो फार्मूलाज के ऊपर चले जाना। तो जैसे इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे से भी
ये हमें फार्मूलाज की जो है कैलकुलेशन वगैरह शो करा देता है एक्सेल। अगर हम एक्सेल की फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें F12 को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग F12 को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, तो इस तरह का एक बॉक्स अपेयर हो जाएगा, यानी कि शो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो सेव पे, तो ये फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। अगर हम सिलेक्टेड डेटा को चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें F11 की शॉर्टकट की को यूज़ करना पड़ेगा। पहले उसमें सबसे पहले हम लोग डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग F11 की को प्रेस करेंगे तो वो डेटा ऑटोमेटिकली चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम एक्सेल में न्यू शीट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने शिफ्ट और F11 की दोनों को इकट्ठा प्रेस करना है, तो एक्सेल इस तरीके से शीट को इंसर्ट करता जाएगा। अगर हमने एक्सेल की शीट में मूव करना हो तो उसके लिए हम पहले से किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंट्रोल और उसके बाद पेज अप या पेज डाउन का बटन को प्रेस करते हैं। जो ओल्ड कीबोर्ड है उसमें इस तरह के बटन मौजूद हैं, लेकिन जो न्यू कीबोर्ड है उसके अंदर पेज अप और पेज ऑन का बटन है। तो उसको जैसे हम लोग प्रेस करते हैं इन बटनों को, तो हम लोग अपनी जो एक्सेल शीट के अंदर दूसरी जो शीट है उसके ऊपर हम लोग मूव कर जाते हैं। अगर हम एक्सेल में नंबर्स को कॉमा फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग पहले तमाम जो डेटा होगा जिनको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं उनको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और +1 को प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग इनको प्रेस करेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिकली कॉमा फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर हम इनके डेसिमल को रिड्यूस करना चाहते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डेसिमल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो नंबर्स होते हैं उनको कॉमा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम एक्सेल फाइल में नंबर्स को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इन नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और +3 को प्रेस करेंगे। तो जैसे हम लोग इसको कंट्रोल शिफ्ट और 3 को प्रेस करेंगे तो ये जो नंबर हैं डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम एक्सेल फाइल में जो नंबर होते हैं इनको करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो अपने नंबर्स हैं या डेटा है उसको कम्प्लीटली सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और 4 को प्रेस करेंगे। तो जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये जो नंबर हैं ऑटोमेटिकली करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम एक्सेल में जो नंबर होते हैं इनको परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो नंबर हैं इनको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और 5 प्रेस करेंगे। जैसे इसको हम लोग प्रेस करेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिकली परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम एक्सेल में किसी भी प्लेस पे मौजूद हों और हम लोग सेल 1 पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट की यूज़ करते हैं जो है कंट्रोल +Home। जैसे हम लोग इन दोनों बटनों को प्रेस करते हैं तो एक्सेल हमें ऑटोमेटिकली सेल 1 पर मूव कर देता है।